अयोध्या के शिक्षा भवन में संयुक्त शिक्षा निदेशक के कार्यालय में सहायक अध्यापकों ने ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रवक्ता समाज शास्त्र पद पर पदोन्नति को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया गया। धरना दे रहे राजकुमार कारूश ने बताया कि जिलाधिकारी ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि सेवा में बाद में आए लोगों को पहले प्रमोशन कर दिया गया, जिनकी सेवा अभी 10 से 12 साल की हुई है, जबकि हमारी सेवा 30 साल से ज्यादा की है। राजकुमार कारूश ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा भवन के अधिकारियों की मिली भगत से कागजों में हेराफेरी का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता, ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। शिक्षा भवन पे संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद अयोध्या मंडल अयोध्या और जिला विधायक निरीक्षक फैजाबाद अयोध्या के कार्यालय के समक्ष है, जिसमें जिला विधायक निरीक्षक महोदय द्वारा आश्वासन देकर के मुझे पत्र दिया गया है कि शीघ्र ही उनकी हमारी मांगों का निस्तारण कर दिया जाएगा। और संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के कार्यालय के समक्ष में पिछले वर्ष 16 और 17 नवंबर को मैं धरना दे चुका हूँ। 3 सप्ताह का उन्होंने टाइम लिया था और 3 सप्ताह में की निस्तारित कर देंगे। उन्होंने हमारे प्रकरण को, हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया। क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि हमारी पदोन्नत हमसे जूनियर व्यक्ति की कर दी गई, हमारी पदोन्नत नहीं करी गई। हमारी 30 साल की सेवा है और उसकी 10 बरस 12 बरस की सेवा है, ये है। और कई कागजों में हेरा फेरी करके पंद्रह द्वारा ये खेल रचा गया है शिक्षा भवन के अधिकारियों को मिला करके। और हम बार बार ये धरना प्रदर्शन और पत्र जात यहाँ से लेकर के लोकायुक्त, विधान परिषद डायरेक्टर के यहाँ दे रहे हैं और सारा पत्र यहाँ आता है और यहाँ दबा लिया जाता है, कोई उत्तर उसका नहीं दिया जाता। जब तक पूरी नहीं होंगी, मैं 11 बजे से 3 बजे तक अनवरत यहाँ धरना देता रहूंगा। हम करेंगे कि इनको हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को शीघ्र कोई निर्देश दें ताकि ये हमारी समस्याओं का निराकरण कर दें। हमारा नाम राजकुमार कारू से व्यायाम शिक्षक के पद पे कार्यरत हूं, पीडी पांडे इंटर कॉलेज सुनैता। धरने में धीरेंद्र प्रताप सिंह, उदय नारायण तिवारी, शशिकांत पांडे, राम सुभाव ललित, बीके राणा, श्री नारायण चतुर्वेदी समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। इस खबर में बस इतना ही है। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।